हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हर महिला को पीरियड आते हैं और पीरियड होना एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, लेकिन कई बार महिलाओं को पीरियड के द्वारा ब्लड के थक्के, जिनको कि ब्लड क्लॉट बोला जाता है, वो आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में कई महिलाओं को ये पता नहीं होता कि ये समस्या उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो कब पीरियड में क्लॉट आना एक नॉर्मल सी बात है और कब ये आपके लिए खतरे का सिंबल है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड में महिलाओं को क्लॉट क्यों आते हैं, कब आपको इनसे घबराने की ज़रूरत है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। देखिए, कहने को तो पीरियड सिर्फ एक नॉर्मल सी प्रोसेस होती है, लेकिन अगर किसी महिला को पीरियड के दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो चाहकर भी अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से इसके बारे में बात नहीं कर पाती है। और यही कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं को पता ही नहीं होता कि पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट आना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का संकेत दे रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड क्लॉट क्यों बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई महिला हो या पुरुष, दोनों की ही बॉडी में ब्लड क्लॉट बनते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब बचपन में खेलते थे, आपको कोई चोट लग जाती थी तो थोड़ी देर खून निकलने के बाद अपने आप खून निकलना बंद हो जाता था। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आपके अंदर ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड का थक्का बन जाता था। अब ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान के शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जैसे ही आपके शरीर में चोट लगती है, आपका दिमाग उन वाइट ब्लड सेल्स को ऑर्डर देता है कि जाइए और उस जगह पर जाकर एक नेटवर्क बना लीजिए, ताकि वहां से ब्लड ना निकले, क्योंकि अगर लगातार ब्लड निकलता रहेगा तो उस वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो एक तरीके से ब्लड में थक्के बनना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में से ज़्यादा ब्लड ना निकल जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्लॉट का बनना आपके लिए अच्छा हो। ऐसे में अगर आपको पीरियड के टाइम जामुन के दाने के साइज के ब्लड के थक्के आ रहे हैं, या फिर जामुन के दाने के साइज के थक्कों का एक समूह, एक गुच्छा जैसा अगर आपके पीरियड के टाइम पर निकल रहा है, तो ये किसी खतरे की घंटी होती है। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि किन बातों से आपको पीरियड में ब्लड में थक्के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है थायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपोथायराइड यानी कि आपका थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको पीरियड के दौरान ब्लड के थक्के दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PCOD है या फिर आपको फाइब्रॉइड है, यानी कि आपके बच्चेदानी के अंदर गुच्छे जैसे बन रहे हैं, तो उस कारण से भी आपको पीरियड के दौरान ब्लड के थक्के आ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि बच्चेदानी की जो दीवार होती है जिस पर आपका फर्टिलाइज्ड एग आकर चिपक जाता है और आपकी प्रेगनेंसी की प्रोसेस आगे बढ़ती है, अगर वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको पीरियड के दौरान थक्के आने की समस्या हो सकती है। अब ऐसे में अगर आपको पीरियड के दौरान छोटे छोटे ब्लड के थक्के दिखाई दे रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी में होती ही है। लेकिन अगर आपको पीरियड के दौरान मोटे मोटे और जामुन के आकार के या फिर जामुन के गुच्छों के आकार के अगर आपको ब्लड क्लॉट आ रहे हैं, या आपके ब्लड के थक्के एकदम से बड़े बड़े होकर निकल रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है और ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब अगर आपको भी ऐसे ही ब्लड के थक्के पीरियड के टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो जाए। इसके लिए आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप उन चीज़ों को खाएं जिनसे आपको आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों के मेल से आपके शरीर में खून का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपके जो पीरियड है वो 5 दिन से ज़्यादा के हो गए हैं या 6 से 7 दिन से ज़्यादा के हो गए हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जिसकी मदद से आपके पीरियड को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड के दौरान ब्लड के थक्के आना कब नॉर्मल है, कब आपको चिंता करने की ज़रूरत है।
अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर DM करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।